हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बहुत ही रोचक एक फैक्ट के बारे में आपके सामने रूबरू हूँ। बस कहना कुछ नहीं, ये है कि जो अभी चंद्रयान 3rd की जो सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई, जो जिस व्यक्ति ने करा है, जिस टीम ने करा है, जिस पार्टी ने करा है, वो कौन है? किसी जुपिटर से आ रखे हैं? किसी अन्य प्लेनेट से आ रखे हैं क्या? नहीं ना, हमारी इसी धरा के लोगों ने इसका सफल लैंडिंग कराया। तो आखिर ऐसा वो कर सकते हैं, एक साधारण मानवीय कर सकता है, तो और क्यों नहीं। मेरा ये जो सेशन है पूरा पूरा बच्चे को लेकर के है कि हम बच्चे को कैसे कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकें। अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है मेरा, मैं शराब से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि अगर आप पीने वाला जो शराबी होता है उसको आप अगर 10 बजे सुबह छोड़ दो, उसके जेब से सारे पैसे निकाल दीजिए, लेकिन 100% अगर वो पीने वाला है तो शाम को आपको पिए हुए में मिलेगा। यानी कि वो कैसे ठेके की खोज करेगा, कैसे पैसे अरेंज करेगा, उसको पीना है, यानी कि उसकी जिज्ञासा उसके प्रति बहुत ज़्यादा है, बहुत उसको चाहिए चाहिए, हैबिचुअल है। तो जब वो उसको अरेंज कर सकता है तो जिज्ञासा पैदा हम बच्चे में नहीं कर सकते? हम बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं करते हैं और बाद में दोष उसी बच्चे को देते हैं। बच्चे को हमें डायरेक्शन देना चाहिए, समस्या का समाधान कैसे वो ढूंढे, खुद उस पर छोड़ दीजिए ना, समस्या का समाधान वो खुद निकाल करके आपको देगा। बस आपको उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। समस्या में अगर समस्या है तो समाधान भी उसके ही गर्भ में रहता है, वास करता है, समस्या में ही समाधान निहित रहता है। ये आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। बच्चा इन सब चीजों के बाद क्या तार्किक बनेगा, लॉजिकल बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेगा, विश्लेषक बनेगा, और आंख बंद करके किसी की बात पे बिलीव नहीं करेगा जब तक कि वो उस तथ्य तक नहीं पहुंच जाता कि ऐसा क्यों होता है। हम 2 + 2 = 4 करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है, तथ्य पता है, विश्लेषकों ने विश्लेषण किया हुआ है कि हाँ 2 + 2 = 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है, उसके बाद जाकर के मानते हैं। साइंस हमेशा मानती है कैसे, जब तक कैसे क्वेश्चन नहीं आता है कि आप लॉजिक और तार्किक नहीं हो सकते हैं। आपको अपने आर्गुमेंट रखने हैं, वो भी किसी लॉजिक के साथ। कहने का मतलब यह है कि आप बच्चे को अपंग बनाते हो, उसको थोड़ी धूप में अगर बच्चा रह गया, स्ट्रेस उसे हो गया, तो आपको बहुत परेशानी होने लगती है, आप उसको वहाँ से निकाल लाते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर वो तपेगा, सहेगा तो निखरेगा, उसको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए ना, व्यवहारिक ज्ञान तो उसको उसका होना चाहिए ना। हम उसको बचा लेते हैं, जहाँ उसको तरक्की का वो फर्स्ट सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार रहता है, हम उसको बचा लेते हैं, हम उसको रटाते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि बेटा इसकी खुद अपनी समस्या है ना तुम्हारी, इसकी ढूंढ करो, खोज करो, समाधान बताओ ना, हो सकता है आपसे बहुत बढ़िया समाधान वो लाके आपको दे दे। लेकिन हम उसको कमज़ोर बनाते हैं, रटाते हैं। जब तक उस पर बीतेगी नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। छोटा बच्चा है, जब तक आग में हाथ डालने को उसको मना करो तो वो मानेगा नहीं, डालेगा पक्का। लेकिन एक बार अगर उसका हाथ जल जाता है तो आप उसको बार बार बोलेंगे कि हाथ डाल आग में, वो नहीं डालेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? कि उसको प्रैक्टिकली नॉलेज हो गया है, उसको व्यावहारिक ज्ञान हो चुका है, तो हम उसको क्यों ना मोटिवेट करें इस दिशा में। कितनी रोचक घटनाएं हैं, चीज हैं, चांद है, सूरज है, प्लैनेट्स हैं, कितने बड़े रहस्यमयी वहाँ पे सारी क्रियाकलाप होते हैं। दिन अगर घूमेगा नहीं, रात अगर पृथ्वी अगर घूमेगी नहीं, दिन रात हो नहीं सकता है, रेवोल्यूशन रोटेशन। अभी आपने देखा चांद के में 14 दिन का उजाला होता है, 14 दिन के बाद अंधेरा होता है। यहाँ सोलर तक लाइट तक वहाँ पर पहुँचाई गई है, जिससे कि वो वहाँ पे सन के रेज को कलेक्ट करके वहाँ पे बैटरी चार्ज कर पाए। यहाँ पे तो कोई भगवान नहीं आए ना, हाँ शक्ति जरूर होती है,
जो आपको लगातार ऐसे सिग्नल आपके दिमाग में भेजती है कि आप ऐसा कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कनेक्शन टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको मैसेज देती है, लेकिन आपको उस मैसेज को पकड़ना, मौके पे चौका मारना, अवसर को न खोना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें लगातार आगे बढ़ाती है। विश्लेषक है, सोचने पे विवश होते हैं। किसी भी दवाई की अगर खोज हुई है तो कितना उसके बारे में गहन चिंतन, अध्ययन, मनन, नॉलेज गेन किया गया होगा। प्रकृति में हर चीज़ धरी की धरी है, हमें बस उसको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए बुद्धि और विवेक और दिमाग भी दिया गया है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप अपने बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए। प्रॉब्लम में है, बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए। मिस्टेक्स नहीं करेगा सीखेगा नहीं, सबसे बड़ी टीचर हमारी मिस्टेक्स ही होती है। तो उसको ऐसा मोटिवेट करिए कि वो उस प्रॉब्लम को खुद ही हल कर ले, यहाँ तक कि आपको भी उन बच्चों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि नई जनरेशन का दिमाग है। कहाँ 18वीं सदी में, 14वीं सदी में, और कहाँ 21वीं सदी में, हम लोगों ने तो लैंप में पड़ा है, लेकिन आज 5G और 6G का ज़माना चल रहा है, और आने वाली पीढ़ी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है, कि क्या कहें इस बारे में। बच्चे पैदा हो करके एकदम ये सॉफ्ट टच वाले जो स्क्रीन मोबाइल है इसको चला रहे आराम से, और हम बाहरी जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको विस्मृतियाँ हो रही हैं। तो जल्दी ये गैन कर सकते हैं, और हम जो हैं अभी इस समय, हमारी आने वाली पीढ़ी इतने एडवांस रहेगी कि वो बोलेंगे तुमने किया ही क्या। दोष उनका नहीं, दोष टेक्नोलॉजी का है, और एडवांस दिमाग जो पहला बच्चे के अंदर आज के टाइम में हो रहा है, हमको उसको सही दिशा देनी है, डायरेक्शन देना है, और बाकी खोज वो खुद ही कर लेंगे।